गाइस, अगर आप भी अपने घर के लिए और ऑफिस के लिए एक होम सिक्योरिटी कैमरा परचेस करने की सोच रहे हैं जो कि एकदम आपके बजट में आए, जो कि आपका अगर बजट 1000 से लेकर के 1500 रुपए तक का अगर आपका बजट है, और साथ ही में उसमें आपको ढेर सारे फंक्शन देखने के लिए मिल जाए, जिसमें कि आप अगर कहीं पे भी रहे, कोने देश के किसी भी कोने में रहे और आप वहां से अपने घर को मॉनिटर कर सके, जब चाहे तब आप अपने घर पे देख सकते हैं कि आपके घर पे कोई आ तो नहीं रहा, और साथ ही में उसमें मोशन अलर्ट भी मिले, जैसे कि अगर कोई अगर फोर्स एंट्री करता है उसके बाद में अगर कैमरे के सामने में अगर कोई दिखता है तो आपको तुरंत एक मैसेज और एक कॉल आ जाए। तो उसी के लिए आज मैंने एक यानी कैमरा परचेस किया है जो कि मैंने अमेजोन से परचेस किया गाइस, तो वो कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग में आ जाता है। किस तरीके का ये कैमरा है, क्या है, और ज्यादा जानने के लिए इस वीडियो को इन तक के देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं अनबॉक्सी। तो गाइस, कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग में आ जाता है हमारा कैमरा, जिसके साइड में देख सकते हैं V380 प्रो देखने के लिए मिल जाता है। वाईफाई स्मार्ट नेट कैमरा है गाइस, और ऊपर की तरफ में भी देख सकते हैं कुछ यानी कि जो इसमें इनबिल्ट यानी फीचर्स है उसको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। साथ ही में कॉन्टैक्ट यानी डिटेल्स दी हुई है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो मैं इसके बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस। तो गाइस चलिए अब इसके हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ से कुछ इसके ऊपर ऐसे सील वील लगी हुई नहीं आती है। ऊपर की तरफ में हमें एक कैमरा देखने के लिए मिल जाता है जो कि ये 360 यानी रोटेट हो जाता है गाइस। ये पॉली रैप पैकेजिंग तो बहुत अच्छी आई है इसे, और साथ ही में दो एंटीना देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए इसकी बाद में बात करते हैं, पहले और देख लेते हैं बॉक्स पैकेजिंग में अंदर क्या क्या है। ये इसकी पैकेजिंग, एक ये माउंट मिल जाता है हमको, ये यानी कि वॉल से कनेक्ट करके हम इसको नीचे से लगा करके कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। साथ ही में कुछ नट बोल्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और एक चार्जर देखने के लिए मिल जाता है जिसकी आपको इसको कनेक्ट करके रखेंगे जब तक कि आप उतने ही तभी ये चालू होगा। चलिए आगे मैं इसको आपको बताता हूँ। साथ ही में एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है, वारंटी तो मिलेगी नहीं, चाइना है वैसे भी। एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है जिससे कि आप किस तरीके से इसको यूज़ करना है, वैसे तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देख लेने के बाद। चलिए इस बॉक्स को और इसको नीचे हम रख देते हैं। बात करते हैं अब कैमरे की, तो कैमरे में आगे की तरफ में आपको IR LEDs देखने के लिए मिल जाती है, जो कि ये आपको नाइट के टाइम पे यानी जब अंधेरा रहेगा रूम में या नाइट रहेगी उस टाइम पे यानी अपना वर्क करती होंगी, यानी इसका जो नाइट विजन यानी ये नाइट विजन में भी काम करता है और डे टाइम पे भी काम करता है। इसको आप चाहे तो घर के बाहर भी लगा सकते हो और घर के अंदर में भी लगा करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने ऑफिस में कोचिंग क्लासेस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में इसमें एक वॉकी टॉकी का भी फंक्शन मिलता है, यानी कि यहाँ पर स्पीकर दिया हुआ है इस साइड में, जो कि अगर जैसे कि आप कहीं बाहर है और उस टाइम पे अगर कोई घर में घुस जाता है तो आप वहाँ से यानी कि बोल सकते हैं, और जब चाहे आप यानी अपने मोबाइल से बोलेंगे तो यहाँ पर वो सुनाई देगा, और यहाँ पर जो आवाज़ होगी वो आपके मोबाइल पर भी सुनाई देगी पूरी की पूरी आवाज़ एक। और यानी इसकी जो क्लैरिटी की अगर बात करें तो इसमें आपको फुल HD नहीं मिलता, HD मिलता है। तो अभी मैं इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा किस तरीके इसको कनेक्ट करना है, और ये एंटीना का वर्क क्या है। और साथ ही में आपको पीछे की तरफ में एक ईथरनेट के लिए मिल जाता है पोर्ट, यानी ईथरनेट आप इसमें लगा सकते हैं। साथ ही में ये रीसेट करने के लिए बटन मिल जाता है, और ये यहाँ पर आपका यानी कि जो चार्जर दिया हुआ है उसको यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। सी टाइप नहीं है, ये नॉर्मल चार्जर जो अभी तक के चलते आ रहा है वही लगता है इसमें। तो गाइस इसमें आप है ना मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो जिसमें कि आपकी रिकॉर्डिंग 64 GB तक के इसमें मेमोरी कार्ड लगता है। 128 GB का मेमोरी कार्ड तक के ये सपोर्ट नहीं करता, ओनली 64 GB तक का ये मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है। तो गाइस इसमें आप मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि इसके नीचे के तरफ में लगता है, ये पूरा 360 घूम जाता है। यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इसका यानी TF कार्ड का बना हुआ है पोर्ट, जहाँ पर आप अपना मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि 64 GB तक के में आप इसमें लगा सकते हैं। और ये यानी कि आपको मेगापिक्सल में कैमरा नहीं मिलता, यानी 720 यानी रिकॉर्डिंग जो इसमें होगी वो यानी 720p पर इसकी रिकॉर्डिंग होगी। और साथ ही में यहाँ पर आपको एक ग्रीन लाइट यानी जलते हुए दिखेगी जब इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो चलिए गाइस अब इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस ये मैंने इसको चार्जर को मैंने अपने बोर्ड से लगा दिया है, अभी मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद में ये साउंड करके भी हमें बताएगा कि मैं कनेक्ट हो गया हूँ। अब इसकी जो रीसेट की बटन है एक बार इसको हम प्रेस कर देंगे, लॉन्ग प्रेस। देखो सिस्टम इज लोडिंग बता दिया इसने, अभी ऑटोमेटिकली पहले यानी एक SS लेगा, ऑटोमेटिकली रोटेट होगा। अभी घूम जा छोटू, अरे घूम जा। ये देखिए अब ऑटोमेटिकली इसने रोटेट ले लिया है, यानी पूरा SS करेगा 360 होकर के ही अपना।
तो गाइस आपको बता दूं कि एक आपको ये ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर में V380। इसके ऊपर आपको आईडी बनानी पड़ेगी और इसको अपने वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए पूरा प्रिपेयर कर लिया इसने एसएस पूरा का पूरा। अभी ये मेरे पास इसका ये भी आ गया है। इसको कनेक्ट करने के लिए आप अपने नॉर्मल यानी मोबाइल के वाईफाई के थ्रू इसके पहले इसके वाईफाई से अपने मोबाइल को कनेक्ट करना पड़ता है इस ऐप के थ्रू। अगर आप इस पर आईडी अभी नहीं बनाना चाहते तो आप इसमें ट्राई विथआउट अकाउंट के भी कर सकते हैं कंटिन्यू और बिना इसके बिना रजिस्ट्रेशन के भी। अब इसको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देगा ऐड कैमरा, कैमरे को हमने लगा दिया है पावर ऑफ में। ऐड ये यहाँ से हम इसको स्कैन कर लेंगे गाइस। ये पीछे में एक बार कोड दिया हुआ है इसके, देखिएगा यहाँ पर ये वीडियो को हम प्ले करेंगे। ये इसका यानी ऊपर का छत का दिखा रहा है। अब मैं जैसे जब चले जाता हूँ पीटीज में, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। ये पूरा 360 में रोटेट हो जाएगा। इसे हम यहाँ से अप डाउन सब कुछ कर सकते हैं। साथ ही में ये अभी HD क्वालिटी दे रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये SD क्वालिटी में आ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। और यहाँ से आप जा करके इसमें मोशन सेंसर भी यानी इसका चालू कर सकते हैं। यहाँ से ये मोशन सेंसर जो कि मैंने अभी चालू रख के रखा है, जब भी यानी जिस जगह पे हम इसको एक जगह सेट कर देंगे उसके बाद में अगर जो भी वहाँ पर मोशन होगा तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। और जब ये अगर हमारे वाईफाई के साथ में कनेक्ट रहेगा और इसमें हम यानी नेट दे देंगे तो इसके साथ में भी ये हमें वाईफाई यानी इसमें इनबिल्ट हो जाएगा जब, तो यानी अगर जब भी कुछ अगर मोशन होता है तो ये हमारे पास में एक मैसेज अलर्ट दे देगा और हम चाहे तो इसमें कुछ भी बोल भी सकते हैं गाइस। अब ये देखिएगा मैं इसके माइक में ये जो माइक है इस पर प्रेस करूँगा और इसके बाद बोलूँगा तो इसके स्पीकर से ही साउंड आएगा। पहले मैं इंटीनो को इधर कर देता हूँ। हेलो गाइस, साउंड क्यों नहीं ले रहा है? अब लिया देखिए। तो गाइस आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इस कैमरे को परचेस करना चाहते हैं तो इसका बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो गाइस आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा। थैंक यू।